हेलो एवरीवन, मैं हूं अफशा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। और मेरे चैनल का नाम है अफशास किचन। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आप अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कर दीजिए बेल बटन भी प्रेस, ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अफशास किचन को। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार चटपटी और तीखे अचार की रेसिपी लेकर लाई हूँ, जिसको हम आवाकाय कहते हैं, यानी कि वो है मैंगो पिकल। तो अफशास किचन में हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने रॉ मैंगो लिए, यानी कि कच्चा आम लिया। ये एकदम फ्रेश है, गार्डन का मैंगो है ये। तो आप अंदर से देखिए, इसको एकदम वाइट होना चाहिए। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और हम क्लोथ से ऐसे रगड़ के इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो ये ध्यान रखने की बात है कि आम बिल्कुल सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तो ये आम जो है काट के मैं इसमें से गुठली अलग कर दे रही हूँ। ये जो अंदर का इनर पार्ट है, ये हमें इस अचार में नहीं चाहिए। तो इसको हमने इस तरह से काट लिया है और ये मैं यहाँ पर इसके पीसेस कर रही हूँ। तो ये बहुत ही चटपटा और तीखा अचार होता है, काफ़ी स्पाइसी होता है, पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और ये बनाकर मैं रख लेती हूँ, बहुत टाइम तक चलता है, कभी जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइए। बस मैंगो खरीदते टाइम थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, आम कच्चे होने चाहिए और ये अंदर जो गुठली है, ये थोड़ी गुठली होनी चाहिए, कड़क सी, जिस तरह से मैं काट रही हूँ। तो इसी से आपको पता चल रहा होगा कि अंदर इसमें गुठली है। तो इसी तरह से मैंने सभी आम को काट लिया है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक आम काट के दिखाया है, बाकी यहाँ पर मैंने ये इस तरह से सारे आम काट लिए हैं। और ये यहाँ पर 2 किलो आम के करीब है। तो सभी आम को काट के इसमें मैंने इस तरह से एक प्लेट में डालकर रख दिए हैं। और अब हम इसका करते हैं मसाला तैयार। तो उसके लिए हमें चाहिए ये मेथी दाना, यानी कि इसको दाना मेथी या फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना ये दाना मेथी पाउडर। इसका हमें साबुत दाना मेथी ली है और इसको हम पीस लेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून जितना हम हींग यूज़ करेंगे। तो ये मेथी दाना मैं थोड़ा सा पीस कर लाती हूँ। मेथी दाने को पीसने में हमें ध्यान रखना है कि हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, यहाँ पर थोड़ा दरदरा कुटा हुआ जैसा रखना है। तो यहाँ पर मैंने मेथी दाना को पीस लिया है। दूसरा इंग्रेडिएंट्स हम ये वाला है, जिसको हम मस्टर्ड सीड्स कहते हैं या सरसों के बीज जो मोटे वाले होते हैं, वो है मैंने लिए हैं। इसको भी हम थोड़ा मोटा मोटा पीस लेंगे। आप चाहें तो इसको रेडीमेड भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये बाज़ार में पिसा हुआ भी मिलता है, जिसमें छिलका नहीं होता है, पूरा येलो कलर का, पीला कलर का होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको मिक्सी में थोड़ा सा पीस लिया है, एकदम बारीक पाउडर नहीं किया इसका भी। अगेन हमने इसको मोटा मोटा थोड़ा सा पीस के रेडी कर लिया है और इसको एक निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। ये देखिए, आराम से पीस जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसको पीसने में। अब हम लेते हैं एक बड़ी सी प्लेट या आप परात, जिसको हम आटा गूंदने में यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर वो ले रही हूँ। तो यहाँ पर एक बड़ा कप भरकर, यानी मेजरिंग कप भरकर मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। और ये जो सरसों के बीज जो हमने मोटे पीस लिए थे, साथ ही मेथी दाना जो हमने वो भी पीस लिया था, उसको भी इसमें डाल देते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये स्पाइसी है, इसलिए मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मेरा चैनल अफशास किचन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, साथ ही कीजिए बेल आइकन भी प्रेस, ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी आगे की तरफ देखते हैं कि अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ नमक, जो कि मैंने 1 कप जो मेजरिंग वाला है उसमें थोड़ा कम करके डाला है। वो मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल सही रहता है, इतना नमक मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं नॉर्मल वाइट सॉल्ट ले रही हूँ, आप अगर पिंक सॉल्ट भी यूज़ करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। तो इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी लाल मिर्ची पाउडर है, तो आप इसे ध्यान से हाथों से बिल्कुल भी मिक्स ना करें,
क्योंकि ये स्किन में लग सकती है, और अगर जिनको एलर्जी है तो बिल्कुल भी हाथ यूज़ ना करें इसमें मसाले को मिक्स करने में। तो मैं यहाँ पर स्पून से इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से ये सारा मसाला मिक्स कर देंगे हम। ये जो अचार है हम एक साल तक भी इसको रख सकते हैं बिना फ्रिज के, लेकिन मैंगो आप बहुत ध्यान से ख़रीदिए, बहुत अच्छे और फ्रेश होने चाहिए, वाइट होने चाहिए, पीले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ पर हींग पाउडर मसाला डालते टाइम भूल गई थी, तो मैं अभी मेजर स्पून, जो मेजरिंग स्पून है उससे मेजर करके डाल रही हूँ। तो ये मेरा हींग पाउडर है जो ऐड कर रहे हैं इसके अंदर हम। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें डालिए, अगर आप हींग नहीं डालना चाहते हैं तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं ये भूल गई थी तो अभी ऐड कर रही हूँ, और इसलिए मुझे एक बार फिर से इसको अच्छे से मिलाना पड़ेगा। ये हमारा मसाला अच्छे से मिलकर रेडी हो गया है। अब इस मसाले को भी हमें रखना होगा साइड में, और एक और बड़ा सा बर्तन, यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, अगर क्योंकि ये हमें मिक्स करना है आम के पीसेस में, तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है। और जिस तरह से हम बिरयानी के अंदर राइस और बिरयानी मसाले को लेयर करते हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पर अचार की बिरयानी यानी कि अचार बनाने के लिए भी लेयर करना है। बट मेरे इसमें से थोड़ा सा वीडियो डिलीट हो गया है बीच में से, तो मैंने थोड़ा सा आम और थोड़ा मसाला, फिर थोड़ा सा आम, फिर थोड़ा सा मसाला, ऐसे करके कंप्लीट लेयर कर दिया है। इसका एक रीज़न ये है कि इस तरह से मिलाने से जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये इजीली मिक्स हो जाता है, अदरवाइज़ आप आम डाल के ऊपर से मसाला डालेंगे तो काफ़ी देर लगती है इसको मिक्स करने में। तो मैं इसी तरह से करती हूँ ताकि ये देखिए आप अंदर से जब इसको उलट पुलट करेंगे तो पीसेस ऑलरेडी मसाले में कोट हुए हुए निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसलिए इसको हमें लेयर में मैं डाल रही हूँ। तो आप भी ऐसे डालिए अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो आप जैसा मिक्स करना चाहे उस तरह से मिक्स कर सकते हैं। ये मसाला इसमें थोड़ा ज़्यादा देर तक हम मिक्स करेंगे सो दैट जो आम के पीस हैं वो अच्छे से इसमें लिपट जाए मसाले के अंदर। अभी से कितना अच्छा लाल कलर इसमें आ गया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ मैं, लगभग 50 से 60 ml के जितना ऑयल है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये इसलिए डाला है क्योंकि जो मसाला है वो थोड़ा सूखा सूखा सा बिखर रहा है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालने से ये मसाला जो है पीसेस के ऊपर, आम के टुकड़ों के ऊपर चिपक जाएगा। तो ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं, सारा ऊपर नीचे करके इसको अच्छे से मिलाना है, कहीं पर मसाला कहीं पर सूखा आम ना रह जाए इसलिए अच्छे से मिला देंगे। तो ये है लहसुन, 150 ग्राम लहसुन है जो मैंने पहले से छील के रख लिया है, यानी कि गार्लिक, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कीजिए, अगर आप नहीं खाते हैं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट अगर आप खाते हैं तो इसे ज़रूर डालिए, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और यहाँ पर जो मैंने ऑयल डाला था वो 50-60 ml लिया था, वो आधा मैंने पहले डाला था, आधा अभी डाल रही हूँ। फिर इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। तो ये जो गार्लिक मैंने इसमें ऐड किया है ये भी जब गल जाता है तो बहुत ही अच्छा खट्टा फ्लेवर देता है, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर, तो आप अगर खाते तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अभी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है मसाला और आम और लहसुन सब कुछ, ये देखिए सभी थोड़ा थोड़ा गीला सा लग रहा है ऑयल में, तो ये हमारा पिकल एकदम रेडी हो गया है धूप में रखने के लिए। तो ये इंस्टेंट पिकल नहीं है तो इसको हमें धूप में रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये सारा मिलाने के बाद हम धूप में इसको रखेंगे। धूप में रखने के लिए सबसे पहले हमें कंटेनर लेना है जो कि बहुत ही अच्छे से साफ़ किया हुआ हो और एकदम सूखा हो, ये ज़रूर ध्यान रखना है। तो जितना भी हमने ये हमारा मसाला मिलाया हुआ आम है इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अचार को बहुत लंबे टाइम तक रखने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी बर्तन से बनाने में यूज़ कर रहे हैं, वो सभी बहुत ही अच्छे से साफ़ किए हुए सूखे होने चाहिए, बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए। और जितनी भी बार हम अचार निकालेंगे कंटेनर में से हमेशा सूखा स्पून ही यूज़ करना है। तो ये अचार बहुत लंबे टाइम तक चलता है, आप एक साल भी इसको रख सकते हैं बिना फ्रिज के। ये सारा अचार देखिए
इतना अच्छा इसमें टेम्पटिंग कलरफुल अचार हमारा रेडी होने जा रहा है। तो सारा मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक कंटेनर के अंदर। गर्मियों में ये अचार हमें हर खाने के साथ हमारे इंडियन फूड में तो साथ में जाता ही है, तो आप ज़रूर बनाकर इसको रखिए और मज़ा लीजिए अच्छे से आवा का पिकल का। तो अब इस ये रेडी हो चुका है, इसमें हमने डाल दिया है कंटेनर में और इसको अब हम रख देंगे कपड़ा बांध कर धूप के अंदर। तो अगर आपके घर पे अच्छी धूप आती है तो सुबह से लेकर शाम तक इसको धूप में रखिए जब तक आम गल ना जाए। तो 5-6 दिन आप इसको या फिर एक हफ्ता भी धूप में रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आम और कैसा है। बड़ा आम है तो देर लग सकती है। और यहाँ पर अब मैं 200 ml ऑयल ऊपर से और पोर कर रही हूँ इसके अंदर और डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं मूंगफली का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो तिल का तेल या मूंगफली का तेल कोई भी ले सकते हैं दोनों में से। यहाँ पर मैंने लगभग 200 ml के करीब ऑयल डाल दिया है ऊपर से, क्योंकि इसके ऊपर की सतह पर ऑयल रहना चाहिए, ऊपर की लेयर जो है वो ऑयल की होनी चाहिए। और इसको अब हम कवर कर देंगे और रख देंगे धूप में। तो यहाँ पर मैंने अभी कवर कपड़े से नहीं किया, बाहर में रखने के टाइम इसके ऊपर कपड़ा लगा कर बाहर रखूँगी। फिर आप कॉटन का दुपट्टा ले सकते हैं इसमें, या वाइट कपड़ा या कोई भी कलर का कपड़ा हो, लेकिन कॉटन का कपड़ा इस पर बांधिए ताकि इसमें हम धूप आराम से जा सके। बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है हमारा। मैंने इसको धूप में रख दिया है और आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, इस तरह से मैंने कपड़ा बांध कर धूप में रख दिया था इसको, और रोज़ सुबह धूप में रखते थे और हम शाम को इसको घर पे अंदर ले आते थे। इसी तरह से हमने ये मैंने 8 दिन तक धूप में रखा है। ये देखिए, अब ये गल चुका है और ये थोड़ा कम हो गया है अचार, तो इसको ऊपर तेल आ गया है। बीच बीच में इसको मैंने हिलाया भी था, मिक्स भी किया था। तो आप भी स्पून से इसको मिक्स करते हुए बीच बीच में हिलाते रहिए और 8 दिन तक पूरा धूप में रख दीजिए। कितना मज़ेदार बनकर तैयार हो गया ये देखिए। लेकिन आधा कंटेनर भर गया था और गलने के बाद ये एकदम कम सा लग रहा है। 1/3 कंटेनर हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है स्पून से उठाकर। तो ये ऑयल इतना ऊपर रहना चाहिए ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो। वाह, कितना टेस्टी लग रहा है। और ये आम जो है कलर बदल चुका है, गल गया है इसका पीस। तो हमारे मसालों का टेस्ट और आम का टेस्ट सब मिक्स होकर रेडी हो चुका है ये पिकल। हमारा आवा का पिकल बन गया है। आवा काय को आप दाल और चावल के साथ भी खा सकते हैं और चपाती पराठा के साथ, सब्जी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, लहसुन भी कितना अच्छा गलकर कलर इसका बदल चुका है, आम का भी कलर बदल गया है और दोनों ही गल गए हैं। तो ये मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मज़े ही आ गया। ये बनकर रेडी हो गया है। मेरे घर में ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, सभी लोग इसको बहुत ही पसंद करते हैं, तो आप भी इसको ज़रूर बनाइए। बहुत ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं चाहिए रहते हैं, तो जो भी घर में मसाले अवेलेबल हैं हम उससे बना सकते हैं। बस अच्छे से आम खरीद कर लाइए और बनाइए, और आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइए। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही आप नई रेसिपी क्या देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलते हैं।